वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एसिटिक एसिड है, वो आयनाइज किया है। अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा? पार्शियल आयनाइजेशन होगा। तो बोला है परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज में बोला है, कितना बोला है? 1.3% बोला है, ये परसेंटेज में। क्वेश्चन बोला है इसका आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट मतलब के क्या होगा? हम लोग के पता होता है, के इसका क्या हो जाएगा? इसका के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? सी 1 माइनस अल्फा। इसका कितना हो जाता है? सी अल्फा। इसका भी सी अल्फा, तो सी अल्फा बाय दिस, तो ये आएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग को सी पता है, सी क्या बोला है? कंसंट्रेशन के बारे में बोला है डेसी नॉर्मल। क्या है? डेसी नॉर्मल। अब डेसी नॉर्मल क्या है? देखो डेसी का मतलब होता है 1/10, सेमी का मतलब होता है 1/2, तो ये बोला है डेसी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, सेमी नॉर्मल होता ना तो बोलते हाफ, डेसी बोला है तो बोलेंगे 1/10, सेंटी बोल देता तो बोलते 1/100, और मिली बोल देता तो 1/1000, ये यूज होता है। ठीक है, ये जनरल पता होता है, हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते हैं, पर ठीक है अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, अब जान गए हम लोग। तो डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल मतलब कितना? 0.1, 0.1 नॉर्मैलिटी है, नॉर्मैलिटी। नाउ मोलैरिटी क्या हो जाएगा? तो देखो मोनो एसिडिक है ना ये, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मतलब 1 × मोलैरिटी इंप्लाइज दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी। तो इस एसिड का नॉर्मैलिटी हो या मोलैरिटी हो, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे सी कितना है? 0.1 आएगा, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी इक्वल, तो 0.1 × अल्फा। अल्फा देखो परसेंटेज में, तो डिग्री कितना हो जाएगा? तो अल्फा इज इक्वल टू 1.3/100, ये अल्फा आप पुट करेंगे, परसेंटेज में नहीं पुट करना होता है, डिग्री में पुट करना होता है। तो दिस इज इक्वल टू 1.3×10^-2। इसको मैंने वैसे एक्सप्रेस किया होल स्क्वायर। अब बहुत सिंपल है, बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा देखो बहुत छोटा है, अल्फा इज बेसिकली 0.013। So, हम लोग बोलते अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये तो बहुत बहुत 1 से बहुत कम है ना, इंप्लाइज दैट अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो इस 1 माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब तो हमारा सब नंबर्स है, नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आप करके देखिए आएगा 1.69×10^-5 आएगा। So, ionization constant 1.69 10^-5 आने वाला है।